हमारी शिकायत पर हरियाणा सरकार ने एक जो पूजा कंसुलेशन कंपनी है और उसका जो मालिक है संचालक राजकुमार हुड्डा, इसने पूरे हरियाणा के अंदर जो है नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों में सफाई कार्य के ठेके ले रखे हैं। तो हमारी शिकायत पर हरियाणा सरकार ने इसके खिलाफ बड़े हाई लेवल की इंक्वायरी शुरू करी है। पूरे हरियाणा के जितने भी डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, 8 डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं और 6 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, उनको लेबर कमिश्नर हरियाणा ने आदेश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर इसके खिलाफ इंक्वायरी करके, जांच करके विस्तृत डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे को दी जाए। हरियाणा सरकार ने यह तलब करी है, क्योंकि हमने आरोप लगाए थे कि ये जो ठेकेदार है राजकुमार हुड्डा, पूजा कंसुलेशन कंपनी, इसने पूरे हरियाणा के अंदर नगर निकायों के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ठेके ले रखे हैं, नगर पालिकाओं, निगमों के अंदर, नगर परिषदों के अंदर, और उसमें इसका पूरा खुला घपला चलता है। जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तें होती हैं उसमें जो कर्मचारी लगाने होते हैं, सफाई कर्मचारी, ये पूरे ना लगाकर सिर्फ 30-35% लगाता है और बाकी फर्जीवाड़ा करके ये सारा उसका वेतन डकार जाते हैं अधिकारियों से मिलीभगत करके। इसके अलावा जो ईएसआई पीएफ का भी इसने करोड़ों रुपए का घोटाला कर रखा है, कर्मचारियों के वेतन से जो पैसे तो काट लिए तनख्वाह में से, लेकिन उसको ईएसआई पीएफ डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया, उसकी अलग से जांच चल रही है। और ये ठेकेदार के खिलाफ एडीजीपी क्राइम की जांच रिपोर्ट के बाद अभी 9 फरवरी को सोनीपत सिविल लाइन्स में 22 लाख रुपए सर्विस टैक्स की चोरी का जो है, फ्रॉड का, घपलेबाजी का, जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है और अभी तक ये खुला घूम रहा है, क्योंकि पानीपत के जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं पानीपत के, उसका उनका इसको संरक्षण है। इसकी अगर पूरी जांच हो सीबीआई की तो पानीपत के बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं वो भी जेलों की सलाखों के पीछे मिलेंगे। हमारी मांग है कि इस राजकुमार हुड्डा को, जो ठेकेदार है पूजा कंसुलेशन कंपनी का, इसको तत्काल अरेस्ट किया जाए और इसकी पूजा कंसुलेशन कंपनी को अपना ब्लैकलिस्ट किया जाए और इसके खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और इस खेल के अंदर जितने भी नगर निगमों के अधिकारी शामिल हैं जो, और बीजेपी के लीडर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए।